Assalamu alaikum students, welcome to MCPS online classes. In today's video I'm going to start chapter 8, Bipin Chaudhary's lapse of memory. मतलब बिपिन बाबू की मेमोरी का खो जाना इस पार्ट का नाम ये है और इसका मेन कैरेक्टर बिपिन चौधरी है. इस चैप्टर पूरा बिपिन चौधरी के बारे में है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बिफोर यू रीड, पढ़े उससे पहले, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? मतलब आपकी क्या बहुत अच्छी याददाश्त है, ऐसा बताया पूछा जा रहा है पोएट राइटर द्वारा. हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई गेम खेला है, कोई ट्रिक्स खेली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. भुलक्कड़पन की आदत जो होती है कई बार आपको कई मुश्किलों में डाल सकती है. टाइट स्पॉट मतलब मुश्किल में डाल देना, कठिनाई डिफिकल्टी में डाल देना. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन अपने ज़िंदगी का कोई पार्ट, कोई हिस्सा पूरी तरीके से भूल जाना, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप पागल से हो सकते हैं. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू डज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witness to the contrary. What is the suspense all about? अब बिपिन चौधरी जो इस स्टोरी में कैरेक्टर है वो नियरली मतलब करीब करीब पागल से ही हो जाते हैं जब वो ये रिकलेक्ट नहीं कर पाते कि वह रांची में रहे थे. मतलब वो रिकलेक्ट नहीं कर पाते, उनको ये चीज़ याद नहीं आती वो कब रांची गए और कब रांची में रहे. तो ये सोचकर वो करीब करीब पागल से होने लगते हैं इस चैप्टर के अंदर. वो कभी भी, उनका कहना यह था वो कभी भी रांची नहीं गए हैं, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा था, उनको ये फोर्स किया जा रहा था क्योंकि उनके सामने कई ऐसे विटनेस, कई ऐसे गवाह आ रहे थे उनके सोच के बिल्कुल उल्टा करने के लिए. कई सारे गवाह उनके सामने आ रहे थे जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो रांची गए थे. वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब ये देखते हैं कि ये क्या रहस्य है, क्या सस्पेंस है इस स्टोरी में. और स्टोरी को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट का हम स्टार्ट करते हैं. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. हर मंडे को बिपिन चौधरी जो है वो अपने घर से लौटते वक्त कालीचरण की जो बुक्स की शॉप है जो कि न्यू मार्केट में है वहाँ पर जाया करते थे जब भी उनका मन हुआ करता था. ड्रॉप इन मतलब जब भी मन करे जब जाना. क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. अब वहाँ पे वो किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? क्राइम स्टोरीज़ मतलब कि अपराध की कहानियाँ. उसके अलावा गोस्ट स्टोरीज़ मतलब भूत की कहानियाँ. थ्रिलर्स मतलब कि रोमांचित करने वाली स्टोरीज जो है वो पढ़ा करते थे. ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. अब वो कम से कम वहाँ पर जाके 5 किताबें खरीदते थे जिससे उनके पूरे हफ्ते का काम जो है वो चल जाता था. टू लास्ट हिम थ्रू अ वीक मतलब पूरे हफ्ते तक वह चल जाती थी 5 किताबें. ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. वो अकेले रहते थे और ज़्यादातर लोगों में मिक्स नहीं होते थे, मतलब अलग थलग से रहने की उनकी आदत थी. हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. और उनके बहुत कम दोस्त थे और उनको ऐसे बेकार की बातचीत करने में टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. टुडे एट कालीचरण्स बिपिन बापू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. अब आज कालीचरण मतलब कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत करीब करीब से ऑब्जर्व कर रहा है. ही टर्न अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीट लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इन टू स्माइल. फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा तो उनको दिखाई दिया कि एक इंसान जो जिसका राउंड फेस है वो उनकी तरफ देख रहा है. मीक लुकिंग मतलब जो अक्सर क्वाइट होते हैं लेकिन हम्बल, लोगों से बात करने में बहुत हम्बल होते हैं, वैसा इंसान उनको नज़र आता है. और उसने उनकी तरफ देखकर स्माइल किया. I don't suppose you recognize me. अब वो पूछते हैं उससे कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हो.
हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिले हैं? आज विपिन बाबू, ये विपिन बाबू उस आदमी से पूछते हैं। द मैन ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। अब वो आदमी सरप्राइज होता है और बोलता है कि उसके सरप्राइज तरीके से विपिन चौधरी को देखने लगता है और बोलता है कि वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक हफ्ते तक रोज़ाना मिल चुके हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुडरो फॉल्स, मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी आपको जब हुडरो फॉल्स जाना था। इन 1958 इन रांची, बोल रहा है कि 1958 में रांची में जब आपको हुडरो फॉल्स जाना था मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी। माय नेम इज़ परिमल घोष, वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम परिमल घोष है, रांची। अब सरप्राइज होते हुए विपिन बाबू बोलते हैं रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब उसको उस टाइम जब रांची का नाम वो लेता है तो विपिन बाबू को ये महसूस हो जाता है कि वो नहीं, ये आदमी मिस्टेक कर रहा है, कि क्योंकि वो रांची के नाम से सरप्राइज होते हैं क्योंकि रांची वो पहले कभी गए नहीं हैं, तो वो सोचते हैं कि वो आदमी जो मिस्टेक कर रहा है, मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू पहले कभी रांची नहीं गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई बार सोचा है जाने के लिए रांची लेकिन कभी वो नहीं गए, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी भी ये प्लान नहीं बना सके रांची जाने का। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम, वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं तुमको पता है मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, वो आदमी जो है अपने आईब्रोज चढ़ाता है और अपनी जबान को अपने दांतों के बीच दबाता है। डू आई नो यू, हु डजंट नो विपिन बाबू, मैं आपको नहीं जानता, कौन आपको नहीं जानता, कौन विपिन चौधरी को नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, फिर विपिन बाबू जो है वो अपना मुंह जो है वो बुक शेल्फ्स की तरफ कर लेते हैं और बोलते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, कई बार ऐसी गलती हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो ये बात सुनकर वो आदमी जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वॉट आर यू सोइंग मिस्टर सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुडरो एंड कट योर राइट नी, आपके जब आप हुडरो फॉल्स गए थे तो आप वहाँ पर गिर गए थे और आपके राइट घुटने में, सीधे पैर के घुटने में जो है कट आ गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नितारहत द नेक्स्ट डे, बोला कि मैंने आपके लिए एक कार भी फिक्स की थी जब आप अगले दिन के लिए जब आपको नितारहत जाना था, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं सके थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, बोला आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। Someone else you know was also in Ranchi at that time. कोई और भी था जिसको आप जानते हो उस टाइम रांची में, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, बोल रहा है कि दिनेश मुखर्जी वो इंसान है जो उस टाइम वहाँ थे जब आप वहाँ पर रांची में थे और आप उनको जानते हैं। You stayed in a bungalow, आप एक बंगलो में रुके थे। You said you didn't like hotel food, you preferred to have your meals cooked by Bawarchi. अब वो कह रहा है कि आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आप बावर्ची के हाथों का बना हुआ खाना खाना पसंद करते हैं, प्रेफर मतलब पसंद करना, लाइक करना। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। अब मिस्टर मुखर्जी जो है वो बता रहा है कि वो अपने सिस्टर के घर पर रुके हुए थे और आप दोनों के बीच में मून लैंडिंग के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस भी हुई थी, रिमेंबर, आपको याद आया। I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. बोला कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते थे जिसके अंदर आपकी बुक्स होती थी, जब भी अपने आप घूमने फिरने मतलब नज़ारा लेने वाली ट्रिप्स पर जाते थे तो साथ में वो बुक्स का बैग आपके साथ हमेशा होता था। Am I right or not? बोला क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, विपिन बाबू जो है वो धीरे से बोलते हैं और उनकी आंखें अभी भी बुक्स के ऊपर जमी हुई हैं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, बोला किस कौन से महीने में आप 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हैं।
The man said, October. No, sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. अब जब अक्टूबर का मंथ सुनते हैं तो विपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं, मैं उस समय अक्टूबर के मंथ में 1958 में मैं एक फ्रेंड के घर पे पूजा अटेंड करने गया था. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो रही है. गुड डे, ये कह के अपनी बात ख़त्म कर देते हैं. गुड डे कहते हैं, आपका दिन शुभ हो. बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं जाता. नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही बोलना बंद करता है. वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, बोला कि एक शाम मैंने आपके साथ में चाय पी थी वरांडा में बैठ के आपके बंगलो में. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चा नहीं है. एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपने ये भी बताया था कि आपने 10 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका एक ही भाई था जिसकी डेथ जो है वो इनसेन मतलब पागलपन की वजह से हो गई थी. विच इज़ वाई यू डिंट वॉन्ट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, जिसकी वजह से आप रांची में मेंटल हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए नहीं गए थे. वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब विपिन बाबू अपने बुक्स के लिए पे करके और वहाँ शॉप छोड़कर निकल रहे थे. द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, उस समय भी वह आदमी उनको बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से उनकी तरफ देख रहा था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो चिल्ड्रन. वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. प्लीज़ रीड दिस पार्ट एट होम. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.